बॉडी लैंग्वेज इस तरह हो रही है कि आपको नहीं नहीं चलो इसको तो छोड़ो, आप जिससे जो भी पब्लिक मैन से आप बहस कर रहे हो, आपको चेयर की सेंटिटी नहीं पता, चेयर की आपको नहीं, आपको प्रोटोकॉल नहीं पता चेयर का, जो सस्पेंड करो जी, आप जाइए प्लीज, हिमांशु जी आप जाइए प्लीज, आप छोड़ दीजिए, जाइए कौन है जी, आप इसको टेकअप करें और मुझे करके आप बताएंगे, शोकर मैं डी साहब के नाम मार्क कर रहा हूँ। ये नजारा है कुरुक्षेत्र में चल रही कष्ट निवारण समिति की बैठक का, जहां मौजूद बिजली विभाग के एक्सीएन को अपनी लापरवाही और जनता से बदतमीजी करना महंगा पड़ गया। दरअसल बैठक की अध्यक्षता कर रहे परिवहन मंत्री असीम गोयल एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दिए, जिन्होंने बैठक के दौरान ही जनता से दुर्व्यवहार करने वाले बिजली विभाग के एक्सीएन हिमांशु पवार को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। हुआ यूं कि एक्सीएन हिमांशु के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें आ चुकी थी, लेकिन जब कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान उन्होंने मंत्री के सामने कड़े तेवर दिखाए तो मंत्री असीम गोयल ने गलत व्यवहार और काम में अनियमितताओं के आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद एक्सीएन ने कई बार मंत्री से उनकी बात सुनने की गुहार लगाई, लेकिन असीम गोयल ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। इसके अलावा उन्होंने बैठक के दौरान अनुपस्थित रहे डीटीसी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दे डाले। जितनी कंप्लेंट्स उनके बारे में आई, उनके डिपार्टमेंट के बारे में, वो हर बार कोई एक संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, तो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वे ऑफ टॉकिंग था पब्लिक के साथ। पब्लिक के साथ तो आपको, और चेयर के सामने भी एक सिस्टम होता है कि आप पब्लिक से बात करते हो, तो पब्लिक के आगे आपको बड़ी विनम्रता से और सारी बात पब्लिक से ही, अगर वो आप अभद्रता कर रहे हैं और मेरे सामने कर रहे हैं, तो बर्दाश्त वाली चीज़ नहीं है। हमारी सरकार हमारे लिए जो आम आदमी है, हमारे लिए अगर मैं कहूँ पब्लिक है, वो हमारे लिए हमारे भगवान है। और लोकतंत्र के अंदर ऐसा चलता नहीं है कि आप उनको गाली दें, इसलिए इनको सस्पेंड किया। डीटीसी का मीटिंग में नहीं पहुंचे कारण बताऊंगा। हाँ ठीक है, जो अधिकारी हैं डी साहब से मैंने पूछा भी, क्या आपके पास कोई सूचना है, तो सूचना नहीं थी, तो इसलिए उनको कारण बताओ नोटिस उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को नीचे भेजा, और ये बिल्कुल भी ना तो डेकोरम है और ये कोई सिस्टम भी नहीं, तो सिस्टम के खिलाफ कोई चीज़ चलेगी भी नहीं। डी साहब को मैंने कहा है कि उनको आप जो है कारण बताओ नोटिस चाहिए। वहीं मंत्री असीम गोयल ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि अधिकारियों द्वारा काम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायत मिलने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र से रणदीप रॉड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।